शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले अजनी आरक्षण कार्यालय आज से यात्रियों के लिए शुरू किया गया है, जिसके चलते इसका लाभ यात्री ऑनलाइन के जरिए ले रहे हैं। मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले अजनी आरक्षण कार्यालय आज से यात्रियों के लिए शुरू किया गया है, जिसके चलते इसका लाभ यात्री ऑनलाइन के माध्यम से उठा रहे हैं। नागपुर से दिल्ली, नागपुर से दुर्ग, नागपुर से हावड़ा, नागपुर से मद्रास, इसके लिए कोई भी टिकट नागपुर से विशाखापट्टनम आप जा सकते हैं, या फिर इन राज्यों से महाराष्ट्र राज्य के शहर में आ सकते हैं, किंतु महाराष्ट्र के अंतर्गत यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि किंतु महाराष्ट्र के अंतर्गत आप यात्रा नहीं कर सकते। इस बारे में हमने सेंट्रल रेलवे नागपुर के PRO SG राव, आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत। दर्शकों, इस समय हमारे साथ में SG राव, जो कि PRO है सेंट्रल रेलवे नागपुर के, हमारे से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा था आज का पहला दिन, जिस प्रकार से मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले अजनी आरक्षण कार्यालय आज से यात्रियों के लिए जो शुरू किया गया है, उसके ऊपर में हम सीधी बातचीत करना चाह रहे हैं SG राव इनसे। राव साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, नमस्कार जी, सुनाई दे रहे हैं। नमस्कार राव साहब, ये बताइए जिस तरह से आज से ये कार्यालय शुरू हुआ, क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? जी, हम लोग यहाँ आज नागपुर स्टेशन पे दो काउंटर और अजनी जो PRS है, रिजर्वेशन सेंटर है, वहाँ पे दो काउंटर शुरू किया गया है। हाँ जी, कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके चलते जिन लोगों को अपने टिकट कैंसिलेशन के कुछ पैसे वापिस लेना है? 25 मई। सर, जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन का जिक्र किया, लेकिन कुछ ऐसे भी यात्री है जो कम पढ़े लिखे हुए है, तो वो लोग कैसे संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें मतलब कुछ नॉलेज नहीं है? हाँ, नहीं, वो ले सकते हैं, वो काउंटर पे आके टिकट खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा जो कोशिश जो कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग मोबाइल ऐप से बुकिंग कर सकते हैं, वो कृपया हम लोग का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने घर बैठे ही अपना टिकट बुक करें। और दूसरी ये बात और बताना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आदेश अनुसार महाराष्ट्र के अंदर ट्रैवल करना अभी परमिटेड नहीं है, तो जो भी आप बुकिंग करेंगे तो आप किसी भी महाराष्ट्र के स्टेशन से महाराष्ट्र के स्टेशन तक का टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि है ना, जैसे आप नागपुर से मुंबई जाना है तो उसका टिकट नहीं बनेगा। अच्छा जी जी जी, है ना, आप अगर महाराष्ट्र के किसी स्टेशन से किसी और राज्य में जाना चाहें तो ही बुक होगा। विद इन महाराष्ट्र ट्रैवल अभी प्रोहिबिटेड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे SG राव साहब, PRO सेंट्रल रेलवे नागपुर के, जिन्होंने बखूबी और बेबाक के साथ फोन लाइन से बात करते हुए तमाम बातों को यात्रियों के सामने में रखा है। अब यात्री भी इसका फायदा ले और अपना सफर जो है पूरे आनंद के साथ करे, यही शुभकामनाएं सबको देते हुए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर के रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।